सोच चुका हूँ बिकॉज यार सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन बहुत खराब था, बहुत ही बेकार। सो गाइज, रूम में एंटर करते ही कुछ इस तरीके से है हमारा रूम। सो हेलो गाइज, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स वंस अगेन। सो आज है जुलाई 14 एंड इट्स थर्सडे। सो गाइज, हमने रात के 1 बजे तक फाइनल कर लिया कि भाई अब कहाँ जाना है। बहुत सारी डेस्टिनेशंस मन में आई, हिमाचल के कुछ नियर बाई एरिया, चंडीगढ़ के आसपास के जो एरियाज हैं जैसे परवानू, कसौली, या इसके अलावा हमारे माइंड में थे मतलब लेंस डाउन। अभी अभी गए हैं हम लेंस डाउन के अलावा, मतलब आस पास एक और रूट पड़ता है रानीखेत का, उस साइड जाएं या नहीं जाएं। तो मैंने सोचा अभी अभी तो गए हैं उस साइड, तो लेट इट बी, कुछ और प्लान करते हैं। फिर था धनौल्टी, कभी नहीं गए तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चेक कर रहा था, फिर भी मेरा था कि मतलब धनौल्टी तो फिर भी कभी हो सकता है। एंड देन मतलब मेरा था कि फिर पिथौरागढ़ में मैंने सुना लैंडस्लाइड हो गई है, तो देखा मैंने। एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारे अदर प्लेसेस भी किए, पर डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए था। मैंने मेरे साथ कोई आने वाला था बट उनका प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस चूज करना ज़रूरी नहीं समझा। सो गाइज, अभी मैं हूँ अक्षरधाम के आसपास एंड ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बट गाइज, रिस्क तो है थोड़ा बहुत। उत्तराखंड मतलब हम जा रहे हैं और वहाँ पे हाई अलर्ट भी है हैवी मतलब रेनफॉल के लिए, बट हम तो बंदे ही रिस्के हैं। सो गाइज, हम निकल तो गए हैं लेकिन रात को आजकल मतलब ड्राइव करना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज आपके लिए रिस्की भी हो सकता है अगर आपको आदत नहीं है रात को ड्राइव करने के लिए। तो आप लोग को क्या करने का है कि आपको मतलब इस मंथ में तो नहीं आना है, जब क्योंकि यहाँ पे कावड़ यात्रा के चक्कर में बहुत सारे बाइकर्स उल्टा सुलटा रॉन्ग साइड बहुत सारे रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा अगर आप आ भी रहे हैं तो। सो गाइज, ऑलमोस्ट रात के 3:30 बज चुके हैं, सुबह आई मीन सुबह के। एंड मुझे लगता नहीं है कावड़ वाले आज ज्यादा जल्दी पहुंचने देंगे हमको सुबह तक। सो गाइज, अभी काफ़ी हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है मेन हाईवे पे हमारे, एंड हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया है पुलिस वालों ने। सो मतलब लगभग आधे घंटे का मतलब जाम दिखा रहा है एज पर गूगल, एंड मतलब 20-22 किलोमीटर पुलिस वाले बता रहे थे, तो हम पता नहीं यूपी की किन किन गलियों से निकल रहे हैं। और ये हमारे हैवी ड्राइवर्स को देख लो आप बगल में। तो गाइज, आप सामने देख सकते हैं मेन हाईवे है सामने और भर भर के जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें मतलब ये साइड वाला रास्ता अपनाया और आगे निकल गए। जस्ट रुड़की से पहले आई थिंक मैं मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया है और अभी भी यहाँ पे मतलब फुल पैक है भाई, ऐसी हालत हो रखी है कावड़ में। यूपी में काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखा है, वहाँ पे पुलिस मतलब अच्छे से मैनेज कर रही है ट्रैफिक को। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड में, तो शायद इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कावड़ के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पा रहा है सही से। तो गाइस, बज गए हैं दिन के 2 और सुबह से आई थिंक 5 बजे से लेके मैं मतलब रुड़की से जस्ट 500 मीटर जाम में फंसा था, और उस 500 मीटर को क्लियर करने के लिए आई थिंक मोर देन 7 आवर्स, ये कावड़ के चक्कर में भाई बहुत टाइम लग गया। आई डोंट नो व्हाट मतलब उत्तराखंड पुलिस ने वो ट्रैफिक अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा था। हाउएवर यूपी में देखो तो आपका ट्रैफिक बहुत अच्छे से मैनेज है। अभी मैं हूँ देहरादून सहारनपुर रोड पे, एंड बगल में मतलब नया एक्सप्रेस वे भी बन रहा है यहाँ पे। बट मैं शायद अभी मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ,
सो गाइज अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ देहरादून के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये हमारा पुराना टनल, ये नया बनने जा रहा है और यहाँ से लेके आगे तक मतलब पहाड़ों के ऊपर फ्लाईओवर बनेगा। तो अभी हमें जाना है देहरादून एंड देहरादून से आगे रास्ता जाएगा धनौल्टी। गाइस जो सामने आपको एरिया दिख रहा है ये देहरादून का एरिया है, मतलब आउटर साइड में काफी मस्त व्यू मिल रहा है। मौसम दिन भर धूप है मतलब यहाँ पे, एंड सुनने में आया था कि हाई अलर्ट, रेड अलर्ट है, बारिश होगी वगैरह। तो अभी तक तो मतलब धूप बहुत थी और परेशान तो मैं आज वैसे भी बहुत हुआ हूँ। और ऊपर देखो मौसम, घने बादल धनौल्टी की साइड में, अब तो मुझे लगता है बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है। तो अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, तो चलते हैं आगे। सो गाइज फाइनली मतलब शाम के 6 बज गए हैं एंड मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल धनौल्टी में। एक्चुअली प्रॉपर धनौल्टी में नहीं है, धनौल्टी से 2 या 3 किलोमीटर मैंने आगे ले रखा है, एंड इसकी मतलब बुकिंग मैंने कल रात को ही करा दी थी। सो गाइज जिस प्रॉपर्टी में मैं अभी रुका हूं, ये मैं धनौल्टी से ऑलमोस्ट 2 या 2.5 किलोमीटर आगे है, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली ये प्रॉपर्टी। तो गाइज जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ वहाँ के मैं रूम्स आपको दिखा देता हूँ। जिस रूम में मैं रुका हूँ अभी मैं फ़िलहाल इस ब्लॉग में वही रूम दिखाऊंगा, बाकी कल नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करवाऊंगा ये वाली। सो गाइज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे धनौल्टी में, देख रो समा बांध दिया मौसम ने। ये है मेन रोड, आगे से जाता है टेरी चंबा एंड सुरकंडा देवी टेम्पल, इधर जाएंगे तो आपको आएगा धनौल्टी एंड मसूरी एंड चक्राता। सो कुछ इस तरीके से है मौसम यहाँ। सो गाइज जिस प्रॉपर्टी में अभी मैं करंटली स्टे कर रहा हूँ उसका नाम है पाइनवुड कॉटेज एंड रेस्टोरेंट। ये एक रोड साइड प्रॉपर्टी है एंड काफ़ी मतलब अच्छे इनके मतलब कॉटेजेस हैं। ये रेस्टोरेंट है सामने एंड इसके अलावा यहाँ पे भी इनके बजट रूम्स हैं, और बजट रूम्स मतलब काफ़ी अच्छे हैं, 800 तक आपको मिल जाएंगे एंड 1000 के भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आप रूम देखोगे ना, ये मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ जो बजट रूम्स हैं, कल की वीडियो में या आपको एक शॉर्ट्स मतलब मिनी शॉर्ट ब्लॉग में आपको मैं ये दिखाऊंगा। एंड इस साइड भी रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है धनौल्टी का भाई, देखो यहाँ से आगे तक मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो अभी मैं जाऊँगा घूमने, तो फिलहाल मैं आपको अपना करंट जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो रूम टूर करवा देता हूँ। सो गाइज एंट्रेंस यहाँ से है, रोड साइड से ही है,
एंड इस जिस रूम में मैं स्टे कर रहा हूँ उसकी खासियत यह है, इस पे एक साइड का व्यू नहीं है, इस साइड की ये मतलब जो एंट्रेंस है यहाँ से इधर का आपको व्यू मिल रहा है बहुत ही अच्छा। सो गाइज रूम में एंटर करते कुछ इस तरीके से है हमारा रूम, बहुत ही प्यारी जो लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगाई हुई हैं, खूबसूरत पेंटिंग, काफ़ी कंफर्टेबल बेड और प्रॉपर वुडन है। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे टीवी वगैरह आपको मिल जाएगी। एंड तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इट विल कॉस्ट यू लाइक आपका जो जून जुलाई में आपका 8,000 to 6,000 आपको ये कॉस्ट करेगी एक सिंगल रूम डबल ऑक्यूपेंसी में। एंड नॉर्मल वीकेंड्स में आपको मतलब 6,000 तक ये कॉस्ट कर सकता है। हाउएवर आई कैन नॉट डिस्क्लोज माइन बिकॉज रूम के बाद ये बालकनी, इधर भी बालकनी, कुछ इस तरीके से व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। एंड इधर का व्यू भी मैं दिखा देता हूँ एक बार बालकनी से। ओके सो गाइज काफ़ी वाइड मतलब ये इस साइड का बालकनी भी काफ़ी वाइड है, आप पार्टी कर सकते हैं यहाँ पे, फुल एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो सामने का व्यू है इस साइड में कुछ इस तरीके से है, इस साइड में भी काफ़ी सारे कॉटेजेस बने हुए हैं मैं आपको बता दूं। एंड ये मैंने पूछा था सामने वाला जो कॉटेज है, इट विल आल्सो कॉस्ट यू 1,500 to 2,000 करेंटली, बट इन वीकेंड्स इट विल कॉस्ट यू लाइक मतलब कोई सीजन टाइम है उसमें 5,000 तक जा सकता है, 6,000 तक जा सकता है। सो गाइज रूम टूर तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, रूम टूर के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वॉशरूम चेक नहीं किया है, मैं भी चेक कर लेता हूँ और आपको भी चेक करवाता हूँ। या प्लीज चेक आउट द वॉशरूम, वाओ। सो काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो गाइज अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ बिकॉज यार सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन बहुत ख़राब था, बहुत ही बेकार। सो सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर किया था अभी फ्रेंच फ्राइज एंड चाय, क्योंकि सुबह से मैंने ना लंच किया ना कुछ किया क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका था कावड़ के चक्कर में भाई साहब 500 मीटर्स के लिए जो उन्होंने टाइम लगाया। सो प्रॉब्लम ये हुआ था आज कि मतलब मैं रात के 1 बजे निकला था, पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया था हमेशा की तरह कि कहाँ जाना है, और हमेशा की तरह मैं हाईवे पे नहीं डिसाइड करना चाहता था इसलिए मैंने घर पे ही डिसाइड करने का सोचा, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। तो 9 बजे से लेके मैं 2 बजे 1 बजे तक ये सोचता रहा कि यार कहाँ जाना है कहाँ जाना है, फाइनली 2 बजे तक हम निकल गए थे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम निकल गए थे। एंड निकलने के बाद मतलब ऑब्वियसली कावड़ रोड पे मतलब एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे तो रेगुलर फ्रिक्वेंटली मूव कर रहे थे, तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी टू चेज मतलब दी डेस्टिनेशन। और इसमें क्या है कि बाइकर्स जो होते हैं कावड़ में वो थोड़ा सा मस्ती खोर ज़्यादा होते हैं, एंड उन मतलब कभी इधर 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 तो काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मस्ती में कर रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी संभल के चलना होता है। एंड द थिंग इज कि जब मैं रुड़की मतलब जो वहाँ पे मतलब रुड़की से जस्ट 500 मीटर पहले पहुंचा जहाँ पे सिर्फ 500 मीटर्स का जाम लगा हुआ था, उस जाम को कवर करने के लिए आई लाइक टुक मोर देन 8.5 आवर्स। सो मतलब यूपी में पुलिस अच्छे से मैनेज कर रही थी ये चीज़, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में एंटर किया तो आई डोंट नो व्हाई उत्तराखंड पुलिस इज नॉट एंटरटेनिंग सच थिंग्स, दे आर नॉट मैनेजिंग इट इन अ राइट वे, बिकॉज 500 मीटर के लिए 8.5 घंटे का जो ट्रैफिक जैम, इट्स अ बिग थिंग यार, चाहे वो कावड़ भी है बट 8.5 घंटे वो भी सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं था, 500 मीटर्स ओनली। फॉर मी वो जाम हरिद्वार तक लगा था, लेकिन मेरे को सिर्फ क्रॉस करना था रुड़की का जो फ्लाईओवर बाईपास रोड से मतलब हरिद्वार जाता है, बाईपास रोड से ही कावड़ जा रही थी, लेकिन मुझे बाईपास रोड से नहीं जाना था, मुझे क्योंकि मैं ऑब्वियसली मुझे पता था कि अगर मैं बाईपास से जाता हूँ हरिद्वार होके जाता हूँ तो
हो गया फिर 2 दिन। तो जब 500 मीटर के लिए 8.5 घंटे लग रहे हैं तो 2 दिन तो भाई गए हमारे, फिर तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि 500 मीटर में मैं कट ले लेता हूँ, सहारनपुर से निकल जाता हूँ। तो ये चीज़ हुई वहाँ पे। तो वो 500 मीटर के लिए भी मेरे को 2 बजे तक, सुबह 5 बजे से 2 बजे तक, मतलब समझ सकते हो, मतलब हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था मतलब। और उसके बाद फिर आपकी गाड़ी चल रही है रोड पे एंड उसके बाद लोग आते हैं, कभी कोई स्क्रैच मार के चला जाए या कुछ, मतलब टेंशन चलती रहती है दिमाग में। कोई बाइक वाले भी बहुत चिपक के चलते हैं, तो बहुत सारी टेंशन चल रही थी दिमाग में। ऐसा लग रहा था यार दिन तो मतलब गया। बट जैसे ही मैं यार इस प्रॉपर्टी में आया हूँ, अब मेरा ये है कि सक्सेस हो गया भाई आज का दिन तो। मैंने अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं टाइमली पहुंच गया, मौसम खराब नहीं था भाई। जो हाई रेड अलर्ट है, जो बारिश वरिश वो तो मेरे को दिखाई नहीं थी, दिन भर तो धूप लगी हुई थी यहाँ पे। एंड मुझे पता था, बिकॉज मैं पहाड़ी हूँ, मुझे पता था कि ये अलर्ट आ जाते हैं लेकिन 1 वीक बिफोर आते हैं मोस्टली। जब भी अलर्ट आते हैं तो जो मतलब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जरूरी नहीं है वो उस दिन होगा ही होगा, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ इन केस अगर आपको पहाड़ों का को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल मत आओ। मैंने रिस्क लिया भाई, हम तो रिस्की बंदे ही हैं, हम तो बंदे ही रिस्क हैं, तो हमने तो ले लिया। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं एंजॉय करूंगा अपनी टी एंड कीप वॉचिंग राहुल रमोला ब्लॉग्स, सॉरी राहुल रमोला ब्लॉग्स। एंड यार बहुत लोग शेयर नहीं करते वीडियोस को, तो प्लीज़ शेयर करो यार। एंड हमारी फैमिली अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग। वी हैव कम्प्लीटेड 4,000, नाउ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट मोर देन 5 ऑल्सो। सो टारगेट ये रखना है कि भाई इस महीने में हमको 10,000 सब्सक्राइबर गेन करने हैं एनी हाउ। सो प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट।